खबर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से है। मरीजों के परिजनों को कचरा इकट्ठा करने के लिए खुद खरीदना पड़ा बाल्टी। स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल की साफ सफाई और सारे दावे फेल होते नजर आ रहे। शासन की तरफ से संक्रमित रोगों से बचने के लिए पूरी तरह से जिले में साफ सफाई स्वच्छता को लेकर तमाम प्रकार की योजना अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है वही यह अभियान के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में जगह जगह कूड़े के ढेर, वार्ड बता दे गलियरों में घूमते कुत्ते, व्यवस्था पर सवाल ये निशान खड़े होते नजर आ रहे। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय हमेशा मरीजों की भीड़ रहती है, दिन भर सैकड़ों का मरीजों का आना जाना लगा होता है। लाजमी है कि गंदगी तो होगी ही होगी। यहाँ पर आए दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं। कुछ दिन बाद भी आजमगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा होना है, जिसकी तैयारियां जोरों से चारों तरफ दिखाई दे रही। प्राइम बिकिनी उशानी के लिए खास रिपोर्ट। सर, मंडलीय अस्पताल में जगह जगह कचरा भी देखने को मिल रहा है, ऊपर वार्ड में कुत्ते भी घूम रहे हैं, सर इसके कारण? मंडलीय चिकित्सालय में थोड़ी बहुत दुर्व्यवस्था जरूर है, उसके लिए हमने भी एक दिन भ्रमण किया था, पाई गई कमियों के लिए उनको निर्देशित किया है कि इसको ठीक शीघ्र ठीक कराएं। और एक पत्र मंडलीय चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी लिखा गया है, स्वच्छता एवं डेंगू की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जाने हैं उसके लिए इस तरह की गतिविधि, अगर कोई कमियां कहीं पर प्राप्त होती हैं तो मैं तत्काल उसके लिए दिशा निर्देश एवं उसकी मॉनिटरिंग भी कराऊँगा और जो भी दोषी होंगे उनके लिए कार्रवाई भी होगी। सर, वार्ड में अभी मैं देखे हैं सर, कुत्ते वारा कुत्ते घूम रहे हैं सर, उसके कारण ये संज्ञान, ये समाचार आपके माध्यम से भी हमको मालूम हो रहा है। मैं तत्काल इसके बारे में सीएमएस से बात करके उसको देखूंगा कि किस स्तर से कमियां हैं कि इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।